मेरी कहानी की शुरुआत लाहौर से होती है। नहीं नहीं, इस लाहौर से नहीं जो आज एक दूसरे मुल्क का हिस्सा है, बल्कि उस लाहौर से जो विभाजन से पहले हिंदुस्तान का दिल ही नहीं बल्कि उसके सर का ताज भी था। जिस लाहौर में नदियों की तरह मजहब भी एक दूजे के गले मिला करते थे, ना रावी का पानी बटा था, ना देश और ना दिल। आज भी जब वाघा बॉर्डर पर ढोल बजता है तो लाहौर में 20 मील दूर उसकी आवाज सुनाई देती है। किसी रैडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज ने ऐसे बेतरतीब तरीके से खींच दी एक लकीर कि इतना करीब होकर भी कितना दूर हो गया वो लाहौर, जहाँ एक बड़ी सी कोठी में मैं पैदा हुई, जहाँ जिंदगी के 16 बसंत देखे, पक्की वाली दोस्तियाँ की, जहाँ देश की आज़ादी के साथ साथ लड़कियों की आज़ादी के सपने देखे, और जहाँ पहली बार चखा पहले प्यार का स्वाद। तुझे देखा करेंगे ये क्या दीवानगी है, क्यों मेरा दिल शोर पाए, ये क्या मुझको है। पार्टीशन के दौर में पनपती तीन दिलों की मोहब्बत की दास्तां, क्यों थे दिल छोड़ आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टूडियो। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 इयर्स हो गए गाइस। तो आज मैंने इसीलिए सोनी पे एक सीरियल आता है कि उत्थे दिल छोड़ा है, जिसकी कहानी आज ही के दिन से मिलती है पार्टीशन की, तो आज मैंने उसी का सेट बनाया। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं आपको ये सेट बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने ये ऐसे नहीं देखा है ये सीन, उसमें तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, देखिए आपने शायद आपको ये फ़ोटो शो हो रही होगी, देखिए। तो सेम मैंने वो और ये एक ही जैसा क्रिएट किया है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे बेंच है, यहाँ पे सारी दुकानें लगी हुई हैं, और यहाँ पे भी ऐसे ही फ्लावर पॉट्स मीन्स रखे हुए हैं डेकोर के लिए। यहाँ पे एक गली जा रही थी और यहाँ पे एक अंदर है जहाँ पे मेनली उन लोगों का घर आते हैं। ये सीन आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे दोनों लोग मीन्स गुजरते हैं, काफ़ी सीन्स यहाँ शूट हुए हैं। और ये है गाइस वशमा का घर, जो अमृत की बहुत अच्छी दोस्त थी, आप सब जानते होंगे। ये एक्चुअली पार्टीशन बेस्ड शो था तो बहुत अच्छा था। तो ये है वशमा का घर, बट इसका भी इंटीरियर नहीं है इसलिए अभी हम नहीं दिखा सकते, बट नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर दिखाएंगे। तो और इसके सामने ही अमृत का घर है, ये देखिए, ये अमृत का घर है और उदय का रणधीर यहाँ पे बन के आया था, और ब्रिज का घर है राधा का। तो यहाँ पे भी दो गेट हैं, ये गेट था और जब हम जिससे एंट्री वो यहाँ पे, ये एक अंदर ही मींस बना हुआ है शेड सा, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो आप। तो यहाँ पे हम लोग पहले इस गेट के अंदर चलते हैं। तो ये है उदय और ब्रिज का कमरा, उदय फिर ऊपर बाद में शिफ्ट हो गया था, यहाँ पे राधा जब आ गई थी। तो ये है उनका रूम, तो यहाँ पे देखिए बेड पड़ा हुआ है, चेयर्स पड़ी हुई हैं। और अब हम लोग चलते हैं इसी में ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग सीधे चलते जाएंगे तो यहाँ पे बालकनी आती है एक, जो सीरियल में कई बार शो की है। तो ये देखिए यहाँ पे वो बालकनी है, यहाँ से आप लोगों को पूरा व्यू दिख रहा होगा। सो ये तो थी हमारी बालकनी। अब वापस हम लोग अंदर चलते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहीं से दो गेट हैं, मीन्स यहाँ से ड्राइंग रूम में जाने का भी और बाहर से भी। तो ये देखिए कि हम लोग बाहर आ गए, यहीं से अंदर जाने का भी रास्ता है। तो गाइस ये देखिए, ये सोफ़ा मीन्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है बैनर पे, मैंने कस्टम पेंटिंग यूज़ नहीं की है। ये मेज है, और गाइस ये रेडियो है, ये रेडियो है क्योंकि उसमें टीवी नहीं था इतना, तो ये रेडियो है।
और ये पूरा मीन्स हमारा लिविंग रूम है, आपने पहले शो में पहले एपिसोड में भी देखा होगा, और ये वही उनका रूम आ जाता है, इससे अटैच्ड है ये। अब हम लोग चलते हैं इसके पीछे बैक साइड में। तो गाइस बैक साइड में ये देखिए, ये है हमारा पूरा बैक साइड जहाँ पे सभी लोगों के रूम्स हैं, और जहाँ पे एड में भी मीन्स मैंने इसमें भी दिखाया अमृत और रणधीर मिलते हैं। तो यहाँ अभी मैंने इसके रूम्स के इंटीरियर नहीं बनाए हैं, सॉरी गाइस, रूम्स के अंदर मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया है, वो मैं आप लोगों को पार्ट टू में दिखाऊंगा, वशमा का घर भी पार्ट टू में दिखाऊंगा। तब तक आपको नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो ये सारे रूम्स बने हुए हैं, इनके आगे चेयर्स ये सब पड़ी हुई हैं कि अगर किसी को बैठना हो या कुछ भी हो। बस वही यहाँ पे सब रूम्स हैं, रूम्स हैं। अब हम लोग डायरेक्ट छत ही पे चलते हैं। तो आइए हम लोग छत पे चलते हैं। हाँ, तो अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। तो अब गाइस ये देखिए, छत के पहले बाहर आया ये बालकनी है जहाँ पे अमृत और रणधीर पहली बार एक दूसरे को एक्चुअल में देखा था जब उन्होंने। तो ये फिर यहाँ पे अमृत कई बार अपना मीन्स जैसे उसमें लेखिका दिखाई है, तो यहाँ पे वो अपनी डायरी में लिखती रहती थी यहाँ पे बैठ के, और रणधीर पीछे से देखते थे। और ये फिर है हमारी एकदम मेनली बालकनी, यहाँ पे मीन्स कपड़े ये सब देखिए आपको दिख ही रहा होगा, ये पूरी बालकनी है और यहाँ का ये पूरा व्यू है। तो ये था हमारा पूरा बालकनी। तो मीन्स ये पूरा ही हमारा क्यों थे दिल छोड़ आए का सेट है, जो मीन्स तीन लोगों के ऊपर बेस्ड कहानी है। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमारी मेहनत आप लोगों को और दिखे और हम लोगों को पता चले कि हमारी मेहनत वर्क कर रही है। तो और तो गाइस अब मैंने इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ बनाया है, तो आइए उसको देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड टिल देन बाय। क्यों थे दिल छोड़े।